हरि ओम नमो नमः सुप्रभातम। तो कर लेते हैं फिर से नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा सुबह के 7 बजे से। तो अभी मैं नहा धो के उगी हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी को। और साथ में मेरा नाश्ता भी बन चुका है, और नाश्ते में बने आलू के गुटके और रोटी। तो नाश्ता कर लेती पहले, उसके बाद जाती हूँ और सोना को दिखाती हूँ। सोना आज 6 बजे से उठ के बैठी है, उसको मेरे जाने का निशास लग रहा है बहुत। तो आपको दिखाती हूँ सोना से मिलाती हूँ आपको। सुबह से उठ के 6 बजे से उठ के ऐसे बैठी है बिल्कुल, और फोन में लगी है। बब्बी हाय कर दे। बब्बी बब्बी यहाँ देख, हाय करो। हाय सनी। देखो इसकी पोजीशन, और रात भर ऐसे सोई रहती है बिना ओढ़े, और इतनी खांसी हो जा रही है इसको, फिर ओढ़ती है नहीं। देखो, और हमारा हो रहा है अब नाश्ता, तो आलू के गुटके और चाय। दीदी का सुरान शुरू हो चुका है, वो भी नहा के आ गई है ये भी, तो ये मेरे को पहुँचाने आ। तो दीदी लोग आएंगे मुझे देहरादून तक छोड़ने के लिए, वहाँ से फिर मैं जाऊँगी अपने बस में उत्तराखंड परिवहन निगम में। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लेते हैं, और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, फिर दिखाऊँगी आपको। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। और सुबह सुबह आज बहुत ठंडा हो रहा है, अंदर ठंडा लग रहा है तो बाहर भी ठंडा ही हो रहा होगा इसका मतलब। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे अब। तो अभी हम हो चुके हैं पूरी तरह से तैयार, जीजू चले गए हैं गाड़ी में, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ बंद करके। तो सोना भी होगी हमारी तैयार अभी, तो दिखाती हूँ आपको सोना, थोड़ा सा सोना का लुक दिखा देती हूँ। कल से मेरी सोना कहाँ दिखेगी मेरे ब्लॉग में, अब तो आज दिखा देती हूँ सोना को। मेरी सोना, सोना हाय कर दो। अब ये सोची कि ये जा रही है तो मेरे को गोदी में ले जाए। ये देखो, और सवेरे से उठी है आज 6 बजे से, तैयार हो गई है बिल्कुल, ये मौसी को पहुंचाने आ रही है। तो चलते हैं अब फटाफट। और ये देखो गोद में उठाई के करके इसकी पोज ही है, देखो ये नहीं चालाक हो रही है। चलो चलना नहीं है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। चलो अभी देखना इसको चला, मैं जा रही हूँ, हाँ बाय। ठीक है, देखो कैसे आई उठ के। देखा एक, नहीं सोचा सब चले गए हैं, मैं यहीं रहेगी। चलो, तो आज यहाँ मौसम हो रहा है खतरनाक बिल्कुल, देखो कोहरा लग के। बाप रे, आज तो बहुत ठंडा हो रहा है, आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा है। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी में बैठ के, मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पोंटा साहिब को कर देते हैं बाय बाय, फिर आएंगे कभी। तो ये हम जाने लग गए हैं। हाय करो, हाय करो, हाय जी। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग निकल चुके हैं, और जीजू चला रहे हैं गाड़ी, बाकी हम लोग बैठे हैं आराम से। और चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं आपको यहाँ से अभी देहरादून तक कैसे पहुँचते हैं हम लोग। तो हम लोग निकल चुके हैं, और सोना भी बैठी है यहाँ पर ये मस्ती से। तो हम लोग एक मंदिर मिल गया रास्ते में, तो सोना जय करने लग गई। अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून की ओर, यानी कि हिमाचल से उत्तराखंड की ओर, और देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है रास्ते में। आधे रास्ते से आने लगी है हमें धूप, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा सूर्योदय हो रहा है, तो पेड़ों के बीच में से सूर्य भगवान दिख रहे हैं हमें अभी। तो थोड़ा थोड़ा कोहरा हट रहा है, और बाकी धूप की किरणें दिख रही हैं, तो अभी मौसम खुल जाएगा इसका मतलब। तो पेड़ों के बीच में से दिख रहा है काफ़ी सुंदर सा सनराइज़, तो ये देखिए यानी कि सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच में से दिख रही हैं। तो चलिए अपने सफ़र को करते हैं जारी, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारी सोना को निशास लगा है, तो बिल्कुल बेचारी मेरे से चिपक के खड़ी हो रखी है। देखो ये तो मेरी याद आए ना आए, मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है यार घर जाके।
उन्होंने। अभी हम देहरादून नहीं पहुंचे तो हम रास्ते में पहुंचे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमको दिख गए दो मोर, ये है मोरनिया, तो यहाँ पर दाना चुग रही है। तो अभी यहाँ पर शांति का माहौल हो रहा है तो इसलिए ये यहाँ पर घूम रही है, अभी थोड़ी देर में ही चले जाएंगी, तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अभी हम आ चुके हैं देहरादून शहर की तरफ, तो यहाँ पर यहाँ से कॉलेज वॉलेज दिख रहे थे तो सोचा सुंदर सा नज़ारा ले लूँ। ये देखिए तो हम लोग जा रहे हैं आगे को, तो अभी दिखाते हैं हम आपको आज का सफ़र अपना। हमने जाना है ISPT, तो यानी कि जो यहाँ का स्टेशन है रोडवेज स्टेशन देहरादून का, वहाँ सोना कर रही है गाड़ी में, काफ़ी इंजॉय, नींद भी आ रही बेचारी को सुबह से उठी है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी हम पहुँच चुके हैं ISPT पे और यहाँ गाड़ी चलेगी है मेरी, तो अब मेरा मोए मोए हो गया है तो सोना भी आई थी मेरे को पहुँचाने के लिए। और अभी देखते हैं, पहले तो जा नहीं रही थी, पहले रुद्रपुर वाली में बैठना पड़ा, लेकिन फिर मिल गई फाइनली। तो फाइनली मुझे मिल चुकी है बस, और ये है हमारी बस, तो इसमें जाना है मैंने, इसमें बैठ। तो ये है मेरी बस, ऐसे नंबर याद भी नहीं रहेगा तो। और सोना मेरे को छोड़ने आई है और मजे ले रही गाड़ी में बैठ के। बब्बू मेरे को छोड़ने आई है, देखो बस में बैठ गई मेरे साथ और इन्जॉय कर रही बस में, ना मजा आ रहा है ना इसको बस में। सोनी सोनी चल रही है बब्बू, चिज्जी लागी सोना चिज्जी। बाय बाय बब्बू, बाय कर बाय। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार से आगे, और देखिए यहाँ मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। तो हरिद्वार तक तो काफ़ी अच्छी सी धूप थी और यहाँ बिल्कुल लग चुका है कोहरा, तो बहुत ख़तरनाक कोहरा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है बिल्कुल। तो देहरादून में और हरिद्वार में अच्छी सी धूप आई थी, लेकिन यहाँ से ठंडा भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि कोहरे से इतना हालत ख़राब हो रही है ना, और अंदर इतना ठंडा हो रहा है गाड़ी के अंदर, तो उस समय तक तो पता नहीं चल रहा था लेकिन अब पता चल रहा है। तो देखते हैं बाकी आगे को कैसा रहता है मौसम, तो फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा हमारे साथ। खेतों में हो रही है काफ़ी सुंदर सी हरियाली, तो गेहूँ भी बो रखे हैं, घास भी बो रखी है, बाकी सरसों भी हो चुका है, और लेकिन ज़्यादातर खेतों में यहाँ गन्ना ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती इधर साइड में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ गन्ने की ही खेत दिख रहे हैं ज़्यादा। तो अभी लेकिन इधर को तो हरे भरे हैं, तो पूरे गेहूँ के और इस चीज़ के हैं सरसों के, बाकी गन्ने की भी बहुत ज़्यादा खेती होती है इधर को। तो इधर साइड में है गन्ने के खेत, दिख रहे होंगे आपको सामने, तो यहाँ काफ़ी गन्ने के खेत भी हैं क्योंकि इधर चीनी मिलें ज़्यादातर हैं, तो इसलिए गन्ने की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, तो कहीं गन्ना काटा जा रहा है। और ये देखिए पूरे गन्ने के खेत हैं सब जगह जगह पर, गन्ने के ही खेत दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये भी पूरा गन्ना है, और बाकी सरसों भी है और गेहूँ भी बो रखे हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूं काशीपुर, और अभी मैं चल रही हूं फ्लाईओवर पे, और मुझे ये फ्लाईओवर में चलने में ना बड़ा मज़ा आता है, जब गाड़ी इसमें चढ़ती है ना तो काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं आगे को, और वो अभी मैं काशीपुर से आगे को जा रही हूं, और बाकी इसके बाद रामनगर फिर हल्द्वानी, तो जाते जाते शायद मुझे रात ही हो जाएगी। तो यार अब तो मेरा वीडियो बनाने का ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर कर लेती हूँ एंड, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी आपको और अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।